हलका के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को खास तौर पे अम्बाला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हर वर्ग के लिए ये दीपावली खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ लेकर आए और प्रदेशवासियों के लिए जो पिछले 4 सालों से बहुत त्राही त्राही मची हुई है हर वर्ग में, मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री बने और लोगों की समस्याओं का समाधान। जय। द ओरियंट बैंक्वेट अम्बाला सिटी की तरफ से दीपावली, धनतेरस, भाई दूज की सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। इस दीपावली के त्यौहार के अवसर पर हम सभी हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि ये त्यौहार में उनकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आए। सबको, मेरे भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबको, हरियाणा वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की, धनतेरस की, गुरुपुरब की और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए शुभ हो और 2019 का आगाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सबके लिए खुशी देने वाला हो, सुखमय हो और चौधरी देवीलाल की लगाया हुआ पौधा इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व आए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दीपावली का प्रकाश, मेरा मानना है कि हरेक के जीवन के अंदर खुशियों का, समृद्धि का, स्वास्थ्य का रंग भरे, दीपों का प्रकाश लेकर ऐसा एक उत्सव आए और इस प्रकाश के नाते हमारी माँ भारती इस पूरे संसार के अंदर विश्व गुरु बने, यही कामना मेरी तरफ से दीपावली। हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ द ग्रेट खाली। मेरी ओर से और CW की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना है और मैं बताना चाहूँगा कि भी आप खूब इंजॉय करो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पूरे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि पटाखे जितने अवॉइड कर सकते हैं उतने अवॉइड करो। सभी अम्बाला वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करती हूँ तथा उम्मीद भी रखती हूँ कि अगले साल 2019 में कुमारी शैलजा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी प्रदेशवासियों की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी और महिलाओं का सम्मान जो आज इस सरकार के राज में काफी हद तक उसको क्षति पहुंची है, फिर से वह मान सम्मान उनको मिलेगा और सभी की दीपावली बहुत एक समृद्ध दीपावली होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसेगी और इसी सब के साथ हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके घर में खुशहाली आए और सबके घर में संपन्नता आए, यही हमारी शुभकामना। नमस्कार, प्रदेशवासियों को, अम्बाला वासियों को और इस देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली, भाई दूज और विश्वकर्मा डे हमारे लिए बहुत खास त्यौहार हैं। इस खास त्यौहार पे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अम्बाला वासियों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और वह भ्रष्टाचार सरकार का जाना तय है और अगली दीपावली तक इस प्रदेश में और इस देश में कांग्रेस की सरकार आएगी और हम कामना करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय कौ। दीपावली और गुरुपुरब के पावन पर्व पे मैं सभी अम्बाला नगर वासियों को अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिवाली और ये पर्व हमारे अम्बाला के लिए, हमारे नगर के वासियों के लिए शुभ हो और सबका कल्याण हो और सबके घरों में खुशियों का वास हो।
प्रदेश वासियों को सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस तरह से दिए जलते हैं और अंधकार को ख़त्म किया जाता है दिए की रोशनी के द्वारा, हर इंसान के दिल में वो दिया जले जो अपने देश और प्रदेश की तरक्की में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और हर घर में खुशहाली आए, किसी तरह की कोई जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और पॉजिटिविटी हर घर में प्रवेश। पूरे प्रदेशवासियों को, देश के सभी नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला दीपावली का त्यौहार हर घर में खुशियां लेके आए और हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर सकें, जिसमें किसान खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार मिले, व्यापारी का व्यापार बढ़े, सभी लोग उसमें हम शामिल होकर इस प्रदेश को और देश की तरक्की कर सकें। दीपावली के शुभ अवसर पर हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं और हरियाणा में 2019 में आने वाले चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश राणा जी हरियाणा के सीएम होंगे, क्योंकि हरियाणा की पब्लिक चौधरी ओम प्रकाश राणा को चाहती है और आने वाले जो 2019 में हरियाणा में 90 की 90 सीटें बीएसपी और इंटरनेशनल लोकदल की होंगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश राणा जी होंगे और देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होंगे। मेरी तरफ से और इंटरनेशनल लोकदल की तरफ से हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपनी पुरानी बातें खत्म करके इसको बड़े हर्षोल्लास से मिलजुल कर मनाएं और ये हमारी एक संस्कृति का प्रतीक है, हमारा अस्तित्व हमारी संस्कृति की वजह से है, तो इसको मनाना, इस त्यौहार के रीति रिवाज को मनाना, अपने आप में हमारी संस्कृति को मनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम तहलका के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।